नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नौकरी का झांसा देकर 30 लाख की ठगी करने का आरोपी काबू, चंबा पुलिस ने पालमपुर के मरंडा से किया गिरफ्तार। घासनी में लगी आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत, एक घायल, रामपुर के उरू में पेश आई दर्दनाक वारदात। कल टूटेगा ड्राई स्पेल, प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को बताया महत्वाकांक्षी। केंद्र के बजट में हिमाचल के लिए कोई नई योजना नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बजट को बताया आंकड़ों का मायाजाल। वीरभद्र सिंह बोले, दिशाहीन है केंद्रीय बजट। एंटी करप्शन के नाम पर लूटपाट करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, फेरी वाले की शिकायत पर हत्थे चढ़ा गिरोह। अब समाचार विस्तार से। चंबा पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। सदर पुलिस थाना की टीम ने नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को 2 वर्ष के बाद सुनियोजित तरीके से पालमपुर के मरंडा से दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम में सदर थाना के सब इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार के अलावा मुख्य आरक्षी बलविंदर और आरक्षी अभिषेक शामिल रहे। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला का यशपाल सरोल गाँव में आधार कार्ड केंद्र की आड़ में नौकरी देने की बात कहकर करीब 100 लोगों 30 लाख रुपए ऐंठने के बाद फरार हो गया था। आरोपी के ठगी का शिकार लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सदर थाना में धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में अब तक 23 लोग आरोपी द्वारा ठगी करने की बात कह चुके हैं। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश कर रही है, मगर आरोपी अपने ठिकाने बदल कर पुलिस को गच्चा देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने भी सुनियोजित तरीके से जाल बिछा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। रामपुर बुशहर उपमंडल के शिंगला क्षेत्र के उरू गांव में खासनी में लगी आग को बुझाने गई 2 महिलाएं झुलस गई, जिसमें से 1 महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उरू गांव की जंगल में आग लगी थी जो घासनी की ओर आ रही थी, जिसे बुझाने में जुटी उरू गांव की चंपा देवी और कृष्णा देवी बुरी तरह झुलस गई। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए खनेरी अस्पताल लाया गया, जहां पर 60 वर्षीय कृष्णा देवी की हालत गंभीर देखते हुए उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। आम बजट में बेशक हिमाचल को नया रेल प्रोजेक्ट या अन्य कोई वित्तीय पैकेज ना मिला हो, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बजट समावेशी है और महत्वाकांक्षी है, क्योंकि इससे कोविड से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट विकास के 6 स्तंभों पर टिका है, जिसमें पहला स्तंभ स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्त पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा नवाचार अनुसंधान और विकास, तथा छठा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। आपदा में अवसर ही बजट का थीम है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.32 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 92,000 करोड़ के मुकाबले 137% है। इससे देश व प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने कहा कि बजट में पोषण पर विशेष बल देते हुए देश के 112 एस्पायरेशनल जिलों पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें प्रदेश का चंबा जिला भी शामिल है। केंद्रीय सरकार प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। केंद्र का बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया है जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, जिससे उन्हें चुनावों में इसका कोई राजनीतिक लाभ मिल सके। यह आरोप कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने लगाया है। राठौड़ ने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि यह महज आंकड़ों का मायाजाल बुनकर अपनी नाकामियां छुपाने का असफल प्रयास है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से देश में महंगाई व बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में आम लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई है।
वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताया व केंद्र सरकार को नाकारा करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय बजट में प्रदेश की घोर उपेक्षा पर दुख जताते हुए कहा कि भाजपा का डबल इंजन का दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। प्रदेश के विकास की किसी भी योजना का कोई भी प्रारूप हिमाचल के लिए नहीं रखा गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। समाज से करप्शन मिटाने के नाम पर एंटी करप्शन के कार्ड बनाकर फेरीवानों से लूटपाट करने वाले 5 लोगों का पर्दाफाश करके स्वारघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों में जहां कुछ लोग युवा हैं, तो हैरानी की बात ये भी है कि इन 5 लोगों में एक 76 वर्षीय आर्मी रिटायर्ड व्यक्ति भी शामिल है। गांव-गांव में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का व्यवसाय करने वाले पंजाब के अनंतपुर निवासी ने स्वारघाट पुलिस को शिकायत दी थी। जब वह एक गांव में फेरी लगाकर वापस लौट रहा था, तो मतनोह के निकट कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बाद में उन लोगों ने अपने साथियों सहित उसके साथ लूटपाट करके उसका सामान तथा कैश लूट लिया। स्वारघाट पुलिस ने हरकत में आते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हुए खुलासे से पता चला कि एंटी करप्शन के नाम पर बनी यह गैंग अधिकारियों सहित पंचायत प्रधानों को भी डराते धमकाते रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।